नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। यहां चुनाव की बात करने जरूर आए, लेकिन चुनाव की बात करने में यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर आपने पिछले बार इसी विधानसभा के अंदर हमारी सरकार जो बनवाई, उस सरकार के समय मोदी जी के लिए नारा लगाया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में, जोर से बोलो, मोदी के मन में एमपी। क्या मोदी के मन में एमपी बिठाया? एक तरफ से लगा करके दूसरी तरफ कांग्रेस वाले ऐसे चक्कर खा के गिरे के अभी तक उठे ही नहीं है। वो इतने वोट से जिताया, 163 सीट से। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्य प्रदेश की धरती को प्रणाम करता हूं। आपके सबके विश्वास के कारण जो भाजपा की सरकार बनी, और भाजपा की सरकार आपने बनाई, आपके विश्वास में बनी, मोदी जी के आह्वान पे बनी। मैं आपके विश्वास के लिए लगभग अब हमारा 3.5 महीने से ऊपर का समय, लेकिन ये 3.5-4 महीने में जो हमने काम किए, काम तो 150 से ज्यादा निर्णय किए हैं, लेकिन कुछ निर्णय में बात करना चाहूंगा, कुछ निर्णय के बारे में बात बताना चाहूंगा। भाजपा की सरकार बनती तो क्या करती है? भाजपा की सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद पहली बार हमने अपनी कैबिनेट में निर्णय लिया कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज मिलना चाहिए, एक्सीलेंस कॉलेज मिलना चाहिए। ये युवाओं का देश, दुनिया के सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो अपने इस मध्य प्रदेश और देश के अंदर है। जोरदार ताली बजा युवाओं के लिए। हमने कहा हर जिले के अंदर एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलेगा, और एक्सीलेंस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कृषि से लगा करके सभी प्रकार की शिक्षा मिलेगी। बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारा बदलता दौर का भारत है, और बदलते दौर के भारत में मध्य प्रदेश के अंदर केवल कागज की डिग्री ले लो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कागज की डिग्री ले लेकर के निकम्मे बनते हैं। डिग्री लेकर के उनका जीवन अच्छा होना चाहिए, वो देश की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, परिवार वालों को लेके चले, और उनके माध्यम से उनका भी विकास हो, उनके परिवार का विकास हो, और वह आगे बढ़े, ये होना चाहिए। ये हमने निर्णय किया, इसी आधार पर कई सारे निर्णय किए। समय की कमी है, ये किसानी का क्षेत्र है। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, नहरें अपना काम कर रही, खेती में किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के बलबूते पर इनकी तो दुनिया ही अपने खेत से शुरू होती है और खेत पे खत्म होती है। क्या जवान सीना ठोक करके दुश्मनों के बीच जवान अपने देश की रक्षा करते हैं, और जवान सहित पूरे देश में कोई भूखा नहीं मरे, किसान उनके पेट की रक्षा करते हैं। ये सारे किसानों को प्रणाम। हमारे देश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो मेहनत की है, उनका मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत होना चाहिए। ये इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया है, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। कोई सोच सकता था क्या पहले किसान को अपने खाते में पैसा आ जाए? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कहने के लिए वो कहते गरीब किसान महिला नारे लगाते थे, हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। उनकी सरकारें बनाई, लेकिन कभी भी किसान का भला करने का मौका आया, कांग्रेस वाले ने लगातार निगाह मोड़ी, वो छोड़ के भग गए। उसका परिणाम क्या रहा? जोरदार ताली बजा भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके, गांव के इंसान भी इंसान है, गांव के किसान को भी सड़क चाहिए, ये काम किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसान क्रेडिट कार्ड बिना ब्याज का पैसा ये देने का भी काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आप अंदाज लगा लो, अब नरेंद्र मोदी जी और आगे ले गए किसानों के मान सम्मान के लिए। आपके खाते में सीधे सीधे, आप इतने जने बैठे, कोई एक भी बताओ कि जिनके बैंक में
खाते हैं, वो जिनके नाम पे जमीन है उनके पैसे सीधे खाते में आते कि नहीं आते हैं, तो ताली बजा के बताओ। ये हमारी सरकार है, जिनका हक का पैसा उनको देना। और पैसे का सवाल नहीं है, सवाल सम्मान का है, किसानों का मान सम्मान का सवाल है। हमारे ऊपर एक रुपया भी कोई न्यौछावर करे तो लगता है मान सम्मान होता है, ये मान सम्मान का सवाल है। और सरकार तो 1000 रुपया महीना न्यौछावर करती है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी हो या केंद्र सरकार मोदी जी की हो, आते के नहीं आते पैसे आपके खाते में, जोरदार तालियां बजाओ। ये मान सम्मान अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया, हमें इस बात का आनंद है। लेकिन हमको कष्ट भी होता है, हमने ये देखा, मैं भी किसान परिवार से निकला हूं, मजदूरी में मेरे